भगवान ने कहा कि सब कुछ आता है माँ, लेकिन पुत्र बनना नहीं आता। चतुर्भुज रूप में गए किसके पास? माँ कौशल्या के पास। बोले कि अब तक तो मैं अवतार लिया, कितना भी अवतार लिया, जिसने जहां बुलाया पहुंच गया। कहीं नरसिंह का रूप धारण कर लिया, कहीं हरि का रूप धारण करके ग्राह को जाग करके गज को उबारा है, और कहीं मत्स्य अवतार लेकर के प्रलय कार तक ऋषियों को लेकर के मैं चलता रहा। अन्य 52 अवतार हमने धारण किया, लेकिन पुत्र नहीं बन पाए। क्यों ना अब की बारी पुत्र बने, माता पिता बना। माता पिता का सुख बड़ा ही अद्भुत होता है। माता के पास जैसे पहुंचे प्रभु चतुर्भुज रूप में, तैसे ही माँ भी स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जैसे ही माँ ने बोला, प्रभु ने कहा माँ, बोली प्रभु, बोले कान पक गए स्तुति सुन सुन करके। मैं तो पुत्र बनने आया हूं, बोले मैं तो पुत्र बनने आया हूं। मां खुद नहीं समझ पा रही हैं, मां खुद नहीं समझ पा रही हैं कि जिससे आज्ञा पाकर माया सृष्टि को जन्म देती है, वह प्रभु आज मेरे सन्मुख आकर के क्या कहता है कि मैं पुत्र बनने आया हूं, मैं पुत्र बनने आया। कहती है प्रभु, एक इसी धराधान के, इसी भारतवर्ष में, इसी भारतवर्ष के धन्य है शक्ति, धन्य है माँ। कितना सिखाती हैं, कितना हमेशा हर चीज याद दिलाती हैं। और शक्तियों को बताओ, शक्ति उपासना सबसे बड़ी उपासना होती है। माँ क्या सिखा रही हैं? माँ कहती हैं कि प्रभु पुत्र बनना होता है तो फिर पुत्र की भांति आना पड़ता है, छोटे से बालक का रूप धारण करता है, करना पड़ता है। लेकिन प्रभु मैं यही नहीं जान पा रही हूँ। प्रभु ने कहा क्या कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। प्रभु मैं यही नहीं जान पा रही हूँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जो ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, जो चराचर को चलाने वाला है, मम उर सोवासी मेरे पेट में कैसे आ गया। मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे पास पुत्र बनने कैसे आ गया हो। प्रभु ने कहा माँ यही मेरी माया है, अब बस यह बताओ कि मैं पुत्र पुत्र सुपुत्र कैसे बनूं आपका, आप मुझ पे कृपा करो। फिर माँ ने कहा कि प्रभु, और जैसे माँ ने कहा प्रभु, प्रभु ने कहा कि माँ मैं आपको माँ कह रहा हूं, आप मुझे प्रभु मत कहें, मुझे पुत्र रूप में संबोधन करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बोले कि उसके लिए पुत्र बनना पड़ेगा। तो बोले कैसे? बोले वही तो नहीं आता। तो बोले मैं बताती हूँ पुत्र कैसे बनना चाहिए। तो बोले कि किसी का पुत्र होता है तो चार भुजा लेकर के नहीं आता, ये लाठी भाला लेकर के, शंख चक्र पद्म लेकर के, ये सब क्या है, ये सब गायब करो। चार हाथ है, क्या देखेंगे लोग, क्या कहेंगे, कौशल्या ने चार हाथ वाले बालक को जन्म दिया है, मेरी हंसी हसारत कराओगे प्रभु। तो बोले प्रभु कहते हैं मैया बताओ क्या करूं। बोले पहले दो हाथ गायब कर दूं। भगवान ने तत्काल दो हाथ गायब कर दिए। बोले ये अस्त्र शस्त्र लेकर के बच्चा नहीं पैदा होता। तो बोले फिर, बोले इसको भी हटाओ, तत्काल हटाओ ये सब। भगवान ने वह भी गायब कर दिया। बोले माँ अब ठीक है? बोले नहीं अभी भी नहीं ठीक है। बोले फिर? बोले पीतांबर उतांबर पहन करके नहीं बालक आता है, कपड़ा पहन करके बच्चा थोड़ी आता है। बोले
नंगे होना पड़ेगा और छोटे से बालक का स्वरूप बनाना पड़ेगा। भगवान ने संपूर्ण स्वरूप वैसा ही बना लिया, छोटे से बालक का रूप बना करके मुस्कुराने लगे। बोले माँ अब ठीक है, अब अच्छा हूँ। बोले अभी कमी है। बोले अभी गलती है। बोले क्या? बोले संसार में जो जीव जन्म लेता है रोता है, और ना रो तो घर वाले रोने लगते, हाय हाय बच्चा पैदा हुआ, 30 सेकंड हो गया, 40 सेकंड, 1 मिनट हो गया, रोया नहीं अभी तक बच्चा, कुछ बोला नहीं। भगवान ने कहा मैया बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रोना पड़ता है, पैदा होते ही रोना पड़ता, फिर जीवन प्रयत्न रोना, कभी बीमारी के लिए रोना है, हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर हो गया, या तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, बच्चा अच्छा नहीं निकल रहा है, कोई आता है तो उसको कहता हूं कि प्रणाम करो, तब वह प्रणाम करता है, उसका विवेक इतना काम नहीं करता, कौन आया कौन गया, कैसे मान सम्मान शिष्टाचार करना चाहिए। तो बोले कि भगवान कहते हैं कि बड़ा विचित्र संसार है, कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तातया रूपा शिशु लीलायत प्रिय लीला यह सुख परमय रूपा जन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर रूपा संसार है इसमें रोना पड़ता है। बाबा कहते हैं यह चरित्र जे गाँव है, इस चरित्र का जो गायन करता है किसके, भगवान नाम का जो स्मरण करता है, भगवान नाम का जो आश्रय लेता है, ते हरि पद पावहि, ते परमात्मा के साकेत धाम को वह जीव प्राप्त करता है। बड़ भागी है, पूर्वजों का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर, शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, कि पूरे माघ मास का कल्पवास हम लोग करते हैं यहाँ पे, प्रभु की आशीष कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, यहाँ सेवा भाव का उनका किया हुआ, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का जो हमने सेवा किया है, या उसी का परिणाम है, उसी का आशीर्वाद है कि यहाँ बैठे हुए हैं, और परमात्मा से ऐसे ही कामना करें कि हमारा भी पुत्र इसी प्रकार से हो, कहीं बाएं हथवा से न दाहिने हथवा से पैलगी करें। विचार करिए, कह देते हैं पुत्र यहाँ आए हैं इनको प्रणाम करो, तो गांव में तो खैर कोई बात नहीं, शहर में तो पहले ड्राइंग रूम है, फिर बेडरूम है, फिर किचन है, लेटरिंग बाथरूम है, ड्राइंग रूम में कोई बैठा, सोफा लगा हुआ है, दो लोग इधर बैठे, दो लोग उधर बैठे, पुत्र आया, बोले कि बेटा ये आए हैं जरा प्रणाम करो। अब शिष्टाचार नहीं लेना चाह रहा हुआ, लेकिन हम शिष्टाचार प्राप्त किए हैं अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, अपने माता पिता के द्वारा वह संस्कार हमको मिला है जो हम पुत्र में भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब उसने क्या किया, दो लोग इधर बैठे हैं तो दाहिने हाथे से, दो लोग इधर बैठे हैं तो बाएं हाथे से लगा लिया, बाकियों को नमस्ते चल दिए। कदापि नहीं, हमने क्या कहा, आशीर्वाद यही है लूटने का तरीका। घर में कोई भी कार्य कर रहा हो, किसी को भी समय दो ना दो, लेकिन आज से निवेदन करूंगा माताओं पुत्र वधु को जरूर 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दो, समझाओ उसको, बिटिया अपने घर ठीक है, पतोहियो अपने घर ठीक है, अच्छे तरीके से रहा लगे,
वो जाने लगे अम्मा चैया कब पी है, बतियावत बतियावत अम्मा खुदे भुलाई गई है कि हो चैया कह रहे बनी रही चैया फिर भुलाई गई। हमारे अवध में चाय को चैया बोलते तो कहने का अभिप्राय क्या है, आशीर्वाद लूटने का तरीका होना चाहिए। छीन लो, कैसे छीनोगे, इसी प्रकार छीन सकते हो। पिताजी गौ सेवा कर रहे हैं, पहुंच गए, मैं गौ सेवा कर रहा हूं, पिताजी आप बैठ जाइए, कोई नहीं, आप देखिए मैं कर रहा हूं, तत्काल कर रहा हूं मैं गौ सेवा। माँ ने भी हनुमान जी को बिठा लिया और खूब लाड लड़ाने लगे, हनुमान जी को लाड लड़ाने लगे, हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और इसके बाद आशीर्वाद देने लगे हनुमान जी को। आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात भल शील निधाना, हो तात भल शील निधाना, अजर जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो धारा प्रवाह आशीर्वाद बरसता है, नहीं तो चिंता व्यापी रहती है। आज दिन भी संस्कार डालते हैं माता पिता, लेकिन क्या दूसरों की चीज हमको अच्छी लगी, हमारी चीज हमको अच्छी नहीं लगी। हमारे घर में जो चीज नहीं उनके यहां वो चीज है, बाबूजी ये चीज आनी चाहिए। बाबू जी ने पढ़ा लिखा दिया, संस्कार डाल दिया, अब क्या तुमको करना है, पहनाओ ना बाबू जी को, घुमाओ ना बाबू जी को, साथ में अकेले मत छोड़ो तीर्थ में, बाबू जी को साथ लेकर के जाओ, बाबू जी को भी आनंद आएगा, बाबू जी मैं चलूंगा साथ में आपके तीर्थ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, मैं हूं ना आपकी लाठी में, आपका पैर में मैं लेकर के चलूंगा। तब पुत्र होने का सही मायने में वह धर्म होगा, नहीं तो सबके लड़का पैदा होते हैं, किसी किसी के पुत्र पैदा होते हैं, किसी किसी के पुत्र पैदा होते हैं, और वही पीढ़ियों को तारने वाला होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, माँ ने आशीर्वाद प्रदान किया हनुमान जी को, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी एकदम मगन हो गया, मां ने क्या आशीर्वाद हमको प्रदान कर दिया, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, इतना आशीर्वाद दे दिया, इतना माता पिता का प्रेम है, वह मां धन्य है। उस पुत्र को समझना चाहिए कि मां मृत्यु से लड़ करके आकर के हमको इस संसार में पैदा किया, मृत्यु से लड़ी, प्रसव पीड़ा कितनी होती है लड़ करके इस संसार में, कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन संतान हमारी सुरक्षित रहे, लड़ा और अपने साथ जो है पुत्र को इस संसार में लेकर के आए। आने के पश्चात क्या हुआ, गीले में सोते हुए संस्कार डालते हुए माँ वह है, शास्त्र में वर्णन है कि जन्म लेने के पश्चात 6 महीने तक बालक या बालिका को यह नहीं पता होता कि पिता कौन है, सर्वोपरि गुरु बताया गया किसको, माँ को, पिता कौन है नहीं पता है, माँ नित्य प्रति बताती है, जब लाड लगाता है बालक को पिता,
चुटकी बजा करके थपोड़ी बजा करके बुलाता है, बाबू बेटा कन्हैया राजा बोलता है। तब धीरे धीरे जब बालक के अंदर वह चेतना आती है, माँ बताती है कि पुत्र यह तुम्हारे पिता है। सबसे बड़ी गुड़ी कौन? माँ। संसार में सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। इसलिए माई बाप माता पिता से कभी भी जीव उऋण नहीं हो सकता है। माँ सीता जी ने भी यही आशीर्वाद प्रदान किया हनुमान जी महाराज को। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और एक बारी बड़े जोर के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म।